नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज संडे का दिन है और होली से 2 दिन पहले है। वर्ष 2023 की होली का ये पहला संडे बिफोर है, यानी कि 8 मार्च 2023 को होली है, 2 दिन बाद होली है। आज 5 मार्च 2023 है और इसके 2 दिन बाद होली का जो रंग वाला त्यौहार है वो होगा। तो आज संडे के दिन घर वालों ने हमको पकड़ा दिया है कि दोपहर का खाना बनाने के लिए, सब्जी के तैयारी के लिए थोड़ा सा प्याज काट दें, आप देखिएगा, थोड़ा लहसुन भी काटना है और इसके अलावा टमाटर पकड़ा दिए गए हैं सब्जी में डालने के लिए। पहले बचपन में काफ़ी सब्जी काटी, इसलिए वो जानते हैं कि अच्छी तरह से सब्जी काट लेंगे, इसलिए पकड़ा दिया। चलिए शुरू करते हैं, काटना काटना तो पड़ेगा ही, देखते रहिएगा वीडियो, बाद में बताइएगा कैसा लगा। बहुत से लोग ये काम करते होंगे, घर में थोड़ी हेल्प करनी चाहिए संडे वाले दिन या छुट्टी वाले दिन खास तौर से। चलिए लहसुन छील लें, छोटे छोटे टुकड़े ऊपर के छिलके, फिर इसको अभी चाकू से काट देंगे। तो छौंकने के लिए प्याज और लहसुन तैयार हो जाएगा, साथ में जीरा पड़ जाएगा। लहसुन के छिलके उतार देता हूँ, मेरा तो यही तरीका है, बाकी लोग कैसे करते हैं वो तो आप लोग ही बताएंगे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल जेंट्स द्वारा जो काम कभी कभार किए जाते हैं वही सही होते हैं, है कि नहीं। कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा मसाला के लिए, भूनने के लिए प्याज लहसुन तैयार कर सकें। साथ में अब हरी मिर्च भी दे दी गई, ये 2 हरी मिर्च भी साथ में काट दीजिएगा, हल्का सा कड़वापन रहेगा, सब्जी थोड़ा टेस्टी बनेगी। क्या वीडियो बना रही थी? लगा दिया है, देखता हूँ। नहीं तो उसी नाम से, उस नाम से थोड़ी ना वो चलेगा। नहीं है, हमारे उसमें थोड़ी चलेगा, तुम लोगों वाले में चल जाएगा, वो तो नया बनाएंगे। लहसुन की 3 फली छील चुका हूँ और ये चौथी छील रहा हूँ। कितनी फली काटनी है? 4? क्या? इसकी लहसुन? हाँ, 4-5 का डर हुआ है, 4 छील चुका हूँ, 5वां ये लहसुन की ये कली जो होती है इसको और छील लेते हैं। चलिए लहसुन की 5 कली छिल चुके हैं इनके छिलके, अब इसके बाद प्याज काट लेते हैं। प्याज का पहले ऊपर का छिलका हटा लेते हैं, बहुत से लोग रख करके काटते हैं कि ताकि हाथ में चाकू न लग जाए। थोड़ा बचपन में हम काट चुके हैं सब्जियां, अकेले पढ़ाई करते थे तो सब्जी भी कभी कभी बनानी पड़ती थी, इसलिए थोड़ी सी आदत है प्याज काटने की, सब्जी काटने की।
इस तरह से इसका छिलका उतार दिया है। एक प्याज का गंठल, एक प्याज का गंठल और दिया गया है, यानी कि दो प्याज के गंठल काटने हैं जो कि सब्जी में डाले जाएंगे। कोई प्याज कम खाता है, कोई बिल्कुल भी नहीं खाता, कोई थोड़ा ज़्यादा खाता है। अपने अपने घर की अपनी अपनी रेसिपी होती है, अपना अपना टेस्ट होता है। दूसरा भी प्याज छिल करके तैयार हो गया, दो प्याज के पीस छिल चुके हैं। अब इनको बारीक बारीक थोड़ा काट देते हैं, पूरा एक तरफ खिला देते हैं। सबसे पहले लहसुन की जो कली थी उनको एक तरफ काट के रख लेते हैं। जो लोग जेंट्स में घर में काम नहीं करते हैं, यानी कि खाना ना बनवाने में मदद नहीं करते हैं, वो थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा कभी कभार ज़रूर हेल्प करें घर में। लहसुन की कली छील के रखी है उनको बारीक बारीक काट रहा हूँ, बहुत बारीक भी नहीं, मीडियम साइज़ के टुकड़े छोटे छोटे। जितना ही सामान मसालेदार चटपटा सब्जी में पड़ेगा उतनी ही सब्जी टेस्टी बनेगी। जितने अधिक आइटम्स पड़ेंगे, जैसे कि अब लहसुन है, प्याज है, हरी मिर्च है, टमाटर भी डाल देंगे, इसके अलावा जो सब्जी में और चीज़ें पड़ेंगी जिस चीज़ के बनेगी, आलू है, गोभी भी डाल सकते हैं वो अलग से। फिलहाल ये सब्जी जो मसाले से पहले या मसाले के बाद भूनेंगे उसकी ये तैयारी हमको करने के लिए दिया गया है। लहसुन के टुकड़े छोटे छोटे काट दिए, अब इसके बाद प्याज काटूंगा। इस तरह से लंबे लंबे टुकड़े, थोड़ा अलग अलग तरीके होते हैं सभी लोगों के अलग अलग काटने के, कोई और इससे बारीक काट देता है, कोई और बड़े बड़े। मेरा जो अपना तरीका है वो मैं अपने हिसाब से काट रहा हूँ। बताइएगा ज़रूर कमेंट्स लेकर के कैसा लग रहा है, कैसी तैयारी हो रही प्याज काटने की, सब्जी बनेगी जो, या और कोई तरीका हो वो आप बताइएगा। लेडीज होती तो शायद वो रोज़ काम करती हूँ, शायद अब तक प्याज और ये लहसुन वगैरह कट जाता। हमें तो काफ़ी दिनों बाद ये काम मिला है, टाइम ही नहीं मिलता। चाहे संडे को आज पता नहीं कैसे टाइम थोड़ा सा निकाल के घर में मदद कर रहा हूँ, जुटा हुआ हूँ प्याज काटने की। बहुत से लोग कहेंगे ये काम तो औरतों का है, काम कोई बुरा नहीं होता, काम सभी करनी चाहिए, जितना हो सके अपने हाथ से काम हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाहर के खाने से अच्छा है घर में खाना बनेगा, साफ़ सफाई से अच्छी सी चीज़ें, पौष्टिक चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, पका सकते हैं, अच्छी सब्जी बनेगी। ये आखिरी पीस प्याज का, टमाटर काटने हैं। हाँ टमाटर काटने हैं अभी, ये ले जाइए, तैयारी चल रही है अंदर।
हमें काफ़ी टाइम लग गया प्याज काटने में ही, इसलिए वो टमाटर ले गए हैं खुद, अपना खुद काट लेंगे। ये देखिएगा प्याज के इस तरह से हमने टुकड़े, ये छोटे छोटे से कर दिए हैं। एक तरफ इसमें ये लहसुन के पीसेस हैं, थोड़ा सा दो पीस मिर्च के आए हैं, उसको भी एक तरफ काट कर रख देते हैं। जिस हिसाब से भुनेंगे तेल में अलग अलग, हो सकता है सारा मिला के एक साथ भून दें, अलग अलग भी डाल के भून सकते हैं कि पहले लहसुन फिर हरा मिर्च फिर प्याज। अपने अपने तरीके हैं अपनी तरह से सब्जी पकाने के, लेकिन सब्जी में हर चीज़ जितनी अधिक पड़ जाएगी उतनी ही अच्छी टेस्टी बनेगी, पौष्टिक होगी। छोटे छोटे पीस हरी मिर्च के काटने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं तो थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए चाकू से काटना, बहुत से लोग कैंची से काटते हैं या लोग जैसे इसमें प्लेट है इसमें यूँ काटते हैं, वो भी तरीका सही है। अब इसमें क्या है कि हाथ से काटे थे तो हाथों में थोड़ा ये मिर्च लग गया है, अब इसको हाथ बहुत ही ध्यान से धोने पड़ेंगे, वरना अगर आँख में लग गया तो आप समझते हैं कि मिर्च अगर आँख में लग गया तो क्या आग होता है। तो दोस्तों ये हमने हरी मिर्च के भी टुकड़े काट करके इसमें रख दिए, ये लहसुन और ये प्याज। सब्जी में तड़का लगाने के लिए इतना सामान तैयार है, अब दे देते हैं। दोस्तों बताइएगा ये आप लोगों को हमारी जो सब्जी बनाने की प्रारंभिक प्रक्रिया है, इसमें से हमने प्याज काटा, लहसुन काटा और हरी मिर्च काटा। अब इसको घर की लेडीज़ अपना भुनेंगी तैयार करेंगी। दोस्तों बताइएगा ये आप लोगों को हमारी सब्जी काटने का तरीका कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके अलावा क्या तरीके हो सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।